और आज इस बीजेपी के चक्कर छुटाने के लिए आपके बीच में आए आदरणीय वीरेंद्र सहवाग जी। राम राम भाइयों और बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आदरणीय उपेंद्र सिंह हुड्डा जी, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, बाकी स्टेज पर सभी बैठे अतिथिगण, 2008 में मैंने जब दूसरा 13 शतक बनाया था तो मुझे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी का फोन आया, मुबारकबाद दी और कहा कि मैं आपको जमीन दूंगा हरियाणा में क्रिकेट अकेडमी बनाने के लिए। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि कोई मुझे मुबारकबाद भी देगा चीफ मिनिस्टर या मुझे लैंड देगा हरियाणा में क्रिकेट अकेडमी बनाने के लिए, लेकिन हुड्डा साहब ने दी, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आज उसी अकेडमी से बहुत सारे बच्चे हरियाणा स्टेट के लिए क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में भाग लेते हैं जो हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब सिर्फ हो सका सिर्फ उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वजह से, क्योंकि अगर ना वो मुझे लैंड देते ना मैं वहाँ जमीन बनाता। तो आज मेरे साथ साथ आप सबका भी दायित्व बनता है कि हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर दोबारा हरियाणा का कप्तान बनाएं। और डॉक्टर और आपके हल्के से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को भारी मतों से जिताए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो आप अपने ही क्षेत्र का भला करते हैं, इनसे बेहतर शायद मुझे नहीं लगता कि कोई और कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और डॉक्टर कादियान जी को यहाँ से जरूर जितवाएंगे और जब ये सरकार में आएंगे तो इनके जो वादे हैं जो इन्होंने किए शायद यही पूरा कर सकते हैं, और बाकी सिर्फ वादे करते हैं पूरे कम होते हैं। राम राम भाइयों।